पुलवामा और शोपियन में हुआ कैश निकालना मुश्किल, 40 बैंक पड़े ठप। हाल ही में हुए बैंकों पर आतंकवादी हमले के डर से पुलवामा और शोपियन जिले के करीबन 40 बैंकों में से कैश निकालने की सुविधा को ठप कर दिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसी के आदेश के बाद दोनों जिलों के बैंकों में से कैश की सुविधा बंद कर दी गई है ताकि आगे और आतंकी हमले ना हो सके। बैंकों के अधिकारियों का कहना है कि बैंक की बाकी सुविधाएं जैसे कि ATM चालू रहेगी। लोग बैंक के दूसरे ब्रांच में जाके भी कैश निकाल सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम केवल थोड़े दिनों के लिए है और लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया गया है। सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, जिसके बाद ही बैंकों में से कैश निकालने की सुविधा शुरू की जाएगी। बैंक अधिकारियों ने यह भी कहा है कि बुलेट प्रूफ वैन एवं सिक्योरिटी गार्ड का बंदोबस्त किया जाएगा, जिसके बाद ही सारे काम शुरू होंगे। मई 1 को साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले में कैश वैन पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 5 पुलिस वाले और 2 सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी गई थी। वित्त मंत्री हसीब द्राबू का ये कहना है कि जल्द से जल्द नए सिक्योरिटी तकनीकों का आयोजन करना पड़ेगा ताकि ऐसी मुसीबत दोबारा ना आ सके।